नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते 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 विकास जी। नमस्ते सांची साहब। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरे ख्याल से आज लोगों का कुछ छुट्टी बनाने का मूड है। रुपेश तुमने कुछ कल समझ सर यस सर समझ में आया सर। मैं दोनों वीडियो देखा सर। अच्छा दोनों देख लिया ना। यस मैंने देखा सर। राशियों का आइडिया हुआ आपको कि क्या राशि क्या होती हैं सब चीजें ये? यस यस बिल्कुल सर। कोई भी प्रॉब्लम इजी वे में पूछ लेना, कभी भी दोबारा पूछ लेना, तीन बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस सर। नहीं आपने बहुत इजी वे में बनाया सर, बहुत सही है। कोई भी दिक्कत हो। और विकास क्या हाल है? मुझे बढ़िया है। आज छुट्टी था तो इसलिए आज 15 अगस्त है और दुकान बंद है। आवाज कुछ कम आ रही है। तबीयत ठीक है? हाँ गुरु जी तबीयत ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं। जितने लोग हो गए हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सब लोगों के लिए बड़ा कीमती टाइम है। देखिए कल हम लोग बात कर रहे थे राशियों के बारे में कि डिफरेंट राशि के हिसाब से, डिफरेंट लगन के हिसाब से क्या क्या करेक्टरिस्टिक किसी इंसान में होती हैं, किसी जातक में होती हैं, वो हम कल लोग बात कर रहे थे सारी। अच्छा इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ हो, आपके परिवार के लिए पूरा शुभ हो, सब ना शांत तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से, सुखी तरीके से एकदम रहे। तो राशियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मिथुन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं मिथुन राशि वालों की, क्या पर्सनैलिटी नेचर पर्सनैलिटी होती है, वो मैंने बताया था। अब उसके आगे से हमें स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले कल हमें एक राकेश जी ने एक अच्छा पॉइंट बताया था कि राशियों को याद करने का तरीका भी कुछ होना चाहिए, कैसे राशियों को याद करें, क्योंकि आप लोगों को राशि याद करनी है, 12 राशियां जो हैं उनको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे ये 12 राशियां लिखी हैं, 1 से लेके 12 तक की सारी 12 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सारी 12 राशियां हैं। अब ये 12 राशियां जितनी भी आपकी आ रही हैं, इन सबके ये सामने लॉर्ड दिए हुए हैं। जैसे मेष राशि का लॉर्ड क्या है? मार्स है। मेष राशि किसके अंडर में है? मार्स के अंडर में। जैसे हमने बताया था कि आपको हर ग्रह को, सूरज और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जो 5 ग्रह हैं उनको दो दो राशियां का स्वामित्व प्राप्त है, दो दो राशियां उनको दी गई हैं। तो मंगल को भी 2 राशि दी गई हैं, मंगल को 1 राशि मेष दी गई है, 1 राशि नीचे 8 नंबर वृश्चिक आ रही है वो दी गई है। तो देखिए ये सीरियल नंबर जो है, ये सीरियल नंबर बड़ा स्टैंडर्ड होता है 1 से लेकर 12 तक का, हर जगह यही सीरियल नंबर इस्तेमाल होगा। आप भी जब कभी भी जाएंगे तो आप बोलेंगे इसकी राशि 4 नंबर है या इसका लगन 6 नंबर है, तो आपको मालूम चल अपने आप ही आना चाहिए दिमाग में कि 6 नंबर लगन है तो इसका मीन्स कन्या लगन है इसका। तो ये राशियों के जो सीक्वेंस है इसको आप याद कर लीजिए, ये नंबर आप याद कर लीजिए। जहां भी 1 नंबर की बात होगी तो मेष की बात होगी, जहां भी 6 नंबर की बात होगी कन्या की बात होगी, जहां भी 11 नंबर की बात होगी तो कुंभ की बात होगी। तो इसी प्रकार से इस चार्ट में ये दिखाया गया है आपको, जो सेकंड जो चार्ट लॉर्ड दिखाया हुआ है कि हर राशि के स्वामी कौन है, मतलब किस राशि का स्वामित्व किसको प्राप्त है। जैसे मेष राशि अंडर में आती है मार्स से, मंगल के, वृषभ राशि शुक्र के पास आती है, मंगल के पास 2 राशि है, एक मेष है एक 8 नंबर की वृश्चिक है, शुक्र के पास 2 राशि है, एक वृषभ है एक तुला है 7 नंबर की, बुध के पास 2 राशि है, एक मिथुन है 3 नंबर, एक कन्या है, चंद्रमा के पास एक ही राशि है वो कर्क है, सूर्य के पास एक ही राशि है वो तुला है, वो सॉरी सिंह है। फिर आपका आता है बृहस्पति, बृहस्पति के पास 2 राशि हैं, एक धनु और एक मीन। फिर आता है आपका शनि, उसके पास 2 राशि हैं, एक मकर और एक कुंभ। तो इस तरीके से इन 7 ग्रह में ये राशियां डिवाइड की हुई हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। ये आपको याद करना, ये आप लोग याद कर लेंगे तो इससे बड़ा फायदा रहेगा और इसी का आगे सारा इस्तेमाल होना है। और इसमें कल राकेश जी का एक कहना था थोड़ा सा कि साहब वो इष्ट देव भी बता दीजिए कि इन लगन के हिसाब से इष्ट देव क्या बनते हैं। तो वैसे कैसे इष्ट देव निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि हर लगन के हिसाब से जिनका राशि मेष लगन है जिनका, उनको सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जिनका राशि, जिनका लग्न वृषभ है उनको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिनका लग्न मिथुन है उनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, जिनका लग्न कर्क है उनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिनका लग्न सिंह है उनको नारायण की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जिनका लग्न कन्या है उनको शनि देव की पूजा करें, जिनका लग्न तुला है वो भी शनि देव की पूजा करें, जिनका लग्न वृश्चिक है वो विष्णु भगवान की पूजा करें, और जिनका लग्न धनु है वो हनुमान जी की पूजा करें, जिनका लग्न मकर है वो लक्ष्मी जी की पूजा करें, कुंभ वाले गणेश भगवान जी की और मीन वाले शिव जी की पूजा करें। तो ये इष्ट देव दिए हुए हैं हर राशि के लिए, हर लगन के लिए। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके लगन में कौन सी राशि है, यानी पहले भाव में, और उसके हिसाब से आप यू कैन डिसाइड कि आपके इष्ट देव कौन है, और उनकी पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी प्रसन्नता भी उनसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मैंने इसमें ये दिखाया हुआ है कि कैसे आपको याद करना है। एक सेकंड में आपको इसको फोटो को ठीक कर लेता हूं। देखिए, राशियों को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, आप ऊपर देख रहे होंगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका गिनने का ये है कि आप चर एक, स्थिर दो, द्विस्वभाव तीन, 1 2 3, फिर 4 से स्टार्ट कर दीजिए चर, 5 6, फिर 7 से चर स्टार्ट कर दीजिए, 7 8 9, फिर चर से स्टार्ट कर दीजिए 10 से, 10 11 12। तो इस तरह राशियों को अगर आप लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनको आप चर, स्थिर और द्विस्वभाव के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये ऐसे आपकी चर, स्थिर और द्विस्वभाव में डिवाइड हो जाती है। फिर इसके अंदर दो चीज आती है, और मैंने बताया था कि अग्नि राशि और वर्ण बताया था कि क्षत्रिय राशि है, वैश्य राशि है, ब्राह्मण राशि है या शूद्र राशि है, जो कल बताए थे वर्ण आपको। तो चार तरह के वर्ण होते हैं, चार तरह के तत्व होते हैं। पहले वर्ण की बात कर लेते हैं, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में 1 5 9, ये तीन राशियां आती हैं। तो इनका तरीका गिनने का ये है कि शुरू की 1 5 9 याद रखिए आप। वैश्य में 2 6 10, मतलब 1 पे 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़ दीजिए। तो वैश्य वर्ण के अंदर 2 6 10 आती है। शूद्र वर्ण में 3 7 11 आती हैं, और ब्राह्मण वर्ण में 4 8 12 आती हैं। तो आपको अगर 1 5 9 याद रहेगा क्षत्रिय का, तो वैश्य का आप 2 6 10, शूद्र का आप 3 7 11, ब्राह्मण का आप 4 8 12। मतलब ये देखिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इस तरीके से आपका चलेगा सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस जो वर्ण बताए थे मैंने आपको कल बताए थे कि क्षत्रिय वर्ण वाले जो होते हैं वो समाज के रक्षक होते हैं, वैश्य वर्ण वाले व्यापारी वर्ग के होते हैं, शूद्र वर्ण वाले सेवक होते हैं, और ब्राह्मण वर्ग वाले जो पढ़ाने वाले आचार्य पांडित्य काम करने वाले वो ब्राह्मण वर्ग के होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से जिस वे में क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, ब्राह्मण ये राशियां विभाजित हैं, उसी वे में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल भी आता है। यानी वही अग्नि 1 5 9, पृथ्वी 2 6 10, वायु 3 7 11, और जल 4 8 12। यानी जो अग्नि राशि के लोग होंगे थोड़े अग्रेसिव होंगे, जिनकी राशि पृथ्वी राशि होगी वो सहनशील होंगे, जिनकी राशि वायु राशि होगी वो लोग थोड़े इमेजिनेटिव होंगे, जिनकी राशि जल राशि होगी वो लोग थोड़े भावुक होंगे, क्योंकि जल जो है भावुकता को शो करता है। तो इसलिए इनसे ही मालूम चल जाता है कि भाई किसी की चर लगन है तो वो स्वभाव उसका थोड़ा चलायमान स्वभाव होगा, स्थिर लगन है तो बड़ा स्थिर वाला स्वभाव उसका होगा। किसी की क्षत्रिय वर्ण है तो समझ जाएंगे आप कि इसके अंदर थोड़ा सा पराक्रम होगा, ये थोड़ा आपको मतलब जैसे लड़ाई करने वाला बंदा होता है, अग्रेसिव होता है, इस तरह का होगा। कोई वैश्य वर्ण का है तो आप समझ जाएंगे कि ये आदमी जो है कैलकुलेटिव होगा, हर चीज को बहुत नाप तोल के बोलेगा। कोई शुद्र वर्ण का होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बड़ा सेवा भाव इसके अंदर होगा, करने वाला होगा। ब्राह्मण होगा तो समझ जाएंगे कि बड़ा उपदेशक होगा, पढ़ाने वाला होगा, ये सब चीज का कार्य उसके अंदर होता है। और जिस विभाजन में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल को विभाजित किया गया है, उसी विभाजन में पित्त, वायु, त्रिदोष और कफ को भी डिवाइड किया गया है। पित्त राशि अग्नि से बनी है, वायु, त्रिदोष और कफ, ये आपके तीन मेन रोग होते हैं आयुर्वेद के अंदर, पित्त, वायु, कफ, और त्रिदोष मतलब के तीनों के, पित्त भी, वायु भी, कफ भी, उनका मिक्सचर जो है वो त्रिदोष कहलाता है। तो ये आयुर्वेद के अंदर है, ये राशियां पित्त राशि होती है, 1 5 9 ये पित्त राशि है, वायु 2 6 10 राशि है। मतलब अगर 1 5 9 राशियां कहीं आपकी पीड़ित है, कहीं अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हैं, तो उस केस में ये आपका ये पित्त राशियां अगर आपकी किसी अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हैं तो आपका
पित्त की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अगर आपको 2, 6, 10 राशियां आपकी कहीं पीड़ित हैं तो आपको वात की प्रॉब्लम हो सकती है, 3, 7, 11 कहीं राशियां पीड़ित हैं तो त्रिदोष की प्रॉब्लम हो सकती है, और 4, 8, 12 राशि हैं तो कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों की शिकायत हो सकती है। ये सब चीजें आपको आगे मालूम चलेगी कि कैसे आप देखेंगे कि ये पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हैं या अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हैं। अभी सिर्फ आपको याद करना है कि चर स्थिर द्विस्वभाव, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, अग्नि पृथ्वी वायु जल, पित्त वायु त्रिदोष और कफ, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये दिशा है आपकी। 1, 5, 9 वालों की दिशा पूर्व है, 2, 6, 10 की दक्षिण है। इसका सीक्वेंस याद रखना है आपको, पहले पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। 1, 5, 9 आपने याद कर लिया तो 1 में 1 जोड़ा 2, 5 में 1 जोड़ा 6, 9 में 1 जोड़ा 10, बस पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ऐसे ही आप इसको याद कर लीजिए तो आपको ये राशियां इस तरीके से याद हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस है, इसको आप थोड़ा मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी इन चीजों में समझने के अंदर आगे, क्योंकि जब राशियों की कैरेक्टरिस्टिक हम बताएंगे आगे, लग्न कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें जैसे हम बोल देते हैं कि भाई ये चर राशि है, ये क्षत्रिय राशि है, तो आधी चीज तो उससे मालूम चल जानी चाहिए कि भाई चर राशि है तो ये आदमी चलायमान व्यक्तित्व का है, स्थिर राशि है तो ये आदमी बहुत स्थिर बुद्धि का है, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, क्षत्रिय राशि का है तो ये बड़ा एग्रेसिव टाइप का बंदा है, अग्नि राशि का है तो एग्रेसिव है काफी, थोड़ा क्रोध करने वाला है, लेकिन रक्षक टाइप का जातक है। तो पित्त वाली प्रॉब्लम के भाई अगर राशि ये पीड़ित है आपकी 1, 5, 9 तो उसको पित्त की प्रॉब्लम है। तो कहना मतलब ये है कि आपको ये राशि के बारे में आइडिया लग जाता है तो उससे कुछ तो करेक्टरिस्टिक इंसान की आपको मालूम चल ही जाती है, अगर आपने राशियां समझ ली। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक है वो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले राशियों में ही और 3 तरह के प्रकार होते हैं, वो प्रकार भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनका नाम भी बीच बीच में आता रहता है। देखिए राशियां क्या होती हैं, राशियां तारों का समूह होती है, राशियां जो है ये तारों का समूह है, ये देखिए ये तारों का समूह है, स्टार बने हुए हैं, ये सब तारों का समूह है, ये राशियां कहलाती हैं। तारों के जो समूह होते हैं आसमान में, 12 हिस्सों में आसमान को डिवाइड किया हुआ है, यानी 12 तारों के समूह हैं जो राशियां कहलाती हैं। और राशियों की जो प्रकृति होती है, ये राशियों का जो पिक्चर होती है, उसके बेस पे राशियों के नाम रखे गए। तो ये 12 राशियां हैं। अब इनमें कुछ राशि होती है शीर्षोदय, शीर्षोदय राशि क्या होती है, शीर्षोदय राशि ऐसी होती है जब ये रात को सितारे चमकते हैं, अगर दूरबीन से देखें तो इस राशि में पहले शीर्ष की ओर से सितारे चमकते हैं, यानी ऊपर से सितारे चमकते हैं पहले, फिर नीचे रोशनी आती जाती है इनके अंदर, पहले ऊपर आती है फिर नीचे आती है, इसलिए इन राशियों को बोला जाता है शीर्षोदय राशि। मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, ये सारी राशि शीर्षोदय राशि कहलाती है। शीर्षोदय राशि का इस्तेमाल आगे होगा जब आप समझेंगे इसको आगे ठीक से। इसका यही इस्तेमाल होता है कि जब ग्रह अपनी दशा में रिजल्ट देते हैं तो जो लोग शीर्षोदय राशि में होते हैं जो ग्रह, वो दशा के आरंभ में रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो शीर्ष से स्टार्ट होती है। जो पृष्ठोदय राशि के अंदर होते हैं ग्रह, वो दशा के लास्ट में रिजल्ट देते हैं। तो पृष्ठोदय राशि में क्या होता है कि लास्ट का भाव पहले, बाद में साइन पहले शाइन होता है और उसके बाद पहला भाव शाइन होता है। ये देखिए ये लास्ट का भाव पहले शाइन होगा, उसके बाद ये दूसरा वाला भाव शाइन होगा आपका। तो इसको पृष्ठोदय राशि बोलते हैं कि जो भी पूंछ की साइड से, पिछली साइड से प्रकाशमान होती है, पहले ये प्रकाशमान होती है फिर आगे जाती है। इसके बाद उभयोदय राशि है, ये एक ही राशि कहलाती है। मीन उभयोदय राशि क्या होता है कि ये राशि बीच में से स्टार्ट होती है, ना आगे से ना पीछे से, इसके बीच में से सितारे स्टार्ट होते हैं, पहले बीच में चमकते हैं उसके बाद चारों तरफ रोशनी आती चली जाती है इसके अंदर, तो इसको उभयोदय राशि बोलते हैं। हाँ अजय शर्मा जी, सर ये स्क्रीन थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको अगर एडजस्टमेंट में एक बार आप थोड़ा सा ठीक कर सके। नहीं आपका ठीक है, आपका ठीक है, लेकिन जो आप शेयर कर रहे हैं ना, हाँ, जो स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है स्लाइड में। अच्छा वो फोटो के बेस पे दिखाई दे रही होगी आपको, किसी और को भी अगर तो ये आप दिखाई दे रही है सर, हमारी तो ठीक है सर, ठीक से दिखाई दे रहा है। पृष्ठोदय पे फोटो आ रहे हैं ना, तो वो फोटो को भी आप अपने आप से भी हटा सकते हैं, ये ऐसे करके हटा लीजिए तो ये आ जाएगा। नहीं ठीक आ रही है सर, ठीक है फिर आप कैरी ऑन कीजिए, मेरे एंड से कुछ लगता है मैं चेक करता हूँ। तो ये 3 तरह की राशि हो गई हमारी, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय, ये 3 तरह की राशि होती है। शीर्षोदय राशि जो सिर से स्टार्ट होती है, पहले से स्टार्ट होती है,
प्रश्नोदय राशि जो पूंछ की तरफ से स्टार्ट होती है, उभयोदय राशि जो बीच में से स्टार्ट होती है। तो इन राशियों का आगे बहुत इस्तेमाल है। ग्रह जब इन राशियों में होते हैं तो उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। ये रिजल्ट पहले मिलेगा आपको, अगर अशुभ फल मिलना है तो अशुभ फल पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि ग्रह किस राशि के अंदर है, शीर्षोदय राशि में है या प्रश्नोदय राशि के अंदर है या उभयोदय राशि के अंदर है। तो ये एक बहुत जरूरी था जो मैं आपको बताना चाहता था। इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंटेशन आएगा वहां भी इसको याद कर सकते हैं ठीक से। तो लेकिन आप बस ये थोड़ा एक्विंट हो जाइए इस चीज से कि चार स्थिर द्विस्वभाव जो ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे बार बार, उससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब आगे चलते हैं, कर्क राशि में हम लोग आते हैं। कर्क राशि मतलब इसका जो चंद्रमा है मून, इसका लॉर्ड इसका चंद्रमा है, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। सिंबल इसका केकड़े टाइप का है, क्रैब का सिंबल है इसका, केकड़े टाइप का सिंबल होता है इसका। मैलेफिक होता है, मैलेफिक छोड़ दीजिए, ये तो आपको पढ़ाऊंगा मैं अभी। इसके लिए लकी परफ्यूम का नाम इसमें दिया हुआ है, लकी नंबर का इसका नाम दिया हुआ है, ये इसके बारे में बताया गया है। और इसके स्वभाव आपको मैं बता देता हूं कि क्या है। देखिए ये राशि जो है चर राशि है, मैंने आपको जैसे बताया था कि 1 2 3 4 5 6 ये चार नंबर राशि है, लगन जो है चार नंबर है, तो ये चर है, मूवेबल नाम इसके इसका लिया हुआ है। और वाटरी है, वाटरी कैसे, हमने लगाया था कि चार अग्नि पृथ्वी वायु जल, 4 8 12 जो थी वो हमारी जल राशि थी, तो मूवेबल है, चर राशि है और वाटरी है। इसका मतलब ये जो बंदा होता है ये बड़ा सोचने वाला, बड़ा चलायमान व्यक्तित्व का होता है, लेकिन साथ में भावुक भी होता है, क्योंकि वाटरी राशि होती है भावुकता को शो करती है। बहता जल शुद्ध भी होता है, तो ये लोग बड़े प्योर होते हैं, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। अच्छा ये क्या होता है कि आपने कभी क्रैब देखा हो, केकड़ा देखा है, नहीं देखा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर देखा हो तो उसमें क्या होता है, लोग तो नॉर्मली इसको खाते भी हैं, नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं, कि ऊपर से इसका जो हिस्सा होता है आउटर शेल वो बहुत हार्ड होती है, अंदर से बहुत नरम होता है ये, तो इसलिए इसे कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व होता है इन लोगों का, जो ऊपर से तो दिखाई पड़ते हैं बड़े कठोर हैं, लेकिन अंदर से बड़े ही मोम की तरह पिघले हुए से होते हैं, और अंदर से बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं या बड़े ही सुहृदय वाले होते हैं। इनमें एक ये खास बात होती है। और कीट राशि है, जैसे कि हमने राशियों का बताया था कि कुछ राशि चतुष्पाद हैं जिनके चार पैर होते हैं, कुछ राशि मानव जाति की बताई थी जिनके दो पैर होते हैं, बताया था कि मिथुन जो है वो मानव जाति की है, उसके दो पैर हैं। उससे पहले आपको बताया था हमने वृष राशि बैल, उसके चार पैर हैं तो वो चतुष्पाद राशि थी। उससे पहले बताया था हमने मेष राशि, उसके भी चार पैर हैं, वो भी चतुष्पाद राशि थी। तो चतुष्पाद राशि चूंकि जानवर की राशि होती है, इसलिए हमने बताया था कि सोसाइटी में एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, और वो लोग अपनी बात को सोच समझ के बिना बोल देते हैं। अब ये कीट राशि आ गई। कीट राशि क्या होती है कि ये हमेशा रेंगती रहती है, एक जगह स्टिक नहीं करती। तो कीट राशि का ये गुण हो गया कि साहब एक जगह स्टिक नहीं करेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चेंज करते रहेंगे, ये इनका एक सिस्टम होता है। प्रश्नोदय राशि है, प्रश्नोदय राशि जो आपको मैंने पीछे बताई कि प्रश्नोदय राशि होती है, ये प्रश्नोदय राशि है, फीमेल राशि है। जैसे आपको पिछली बार बताया था कि जितनी भी सम संख्या वाली राशि है, 2 4 6 8 10 12 ये सारी फीमेल है, जितनी विषम संख्या वाली राशि है 1 3 5 7 9 11 ये सारी मेल राशियां हैं। फ्लेगमेटिक ये क्या है, कफ, जैसे हमने उसमें दिया हुआ था तीन, जो पीछे चार्ट दिखाया था आपको, उसमें दिखाया था कि पित्त अग्नि, पित्त दिखाया था उसके अंदर, कफ दिखाया था, वात दिखाया था, त्रितोष दिखाया था, तो ये जो राशि आती है ये कफ के अंदर आती है। इन लोगों को थोड़ा कफ की शिकायत होती है जो कर्क लगन वाले होते हैं, इन्हें थोड़ा जुकाम वुकाम ये सब चीजें थोड़ी रहती है, कफ की शिकायत होती है, चूंकि इनका कफ इनका राशि का वो होता है। सावन का महीना इन लोगों के लिए होता है, सावन का महीना जो होता है वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का होता है, वो जब ही है जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है, सुरांति करता है। और ब्राह्मण, जैसे मैंने बताया कि चार शुद्ध वर्ण बताए आपको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये ब्राह्मण वर्ण की होती है, चार नंबर राशि, 4 8 और 12 ये तीनों ब्राह्मण वर्ण की होती है। फिर इनमें ये लोग जो होते हैं, इनकी खास चीज ये होती है कि बड़े डोमेस्टिकेटेड, मतलब डोमेस्टिकेटेड मीन्स कि बड़े लाड़ प्यार में पले हुए होते हैं ये लोग, बहुत ही लाड़ प्यार में, बचपन से इनको बहुत लाड़ प्यार मिलता है, बड़े इमोशनल भी होते हैं, भावुक होते हैं बहुत ज्यादा,
बहुत जल्दी कोई इनसे कुछ कह दो तो उनको चीज हार्ड कर जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान से इनके साथ रखना पड़ता है कि बड़े, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं तो बड़े ध्यान से इनसे बात करनी पड़ती है, कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे इनको हर्ट, थोड़ा हर्ट हो जाए। ये लोग बहुत आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, अपने आप से काम करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से नर्वस भी रहते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बहुत भोले होते हैं, फ्रुगल मुझे होता है, और कंजूस भी होते हैं थोड़े। ये कर्क लगन वालों में आप नॉर्मली देखेंगे कि थोड़ा कंजूस होंगे, भोले भी होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, बहुत सोचने वाले होंगे चीजों को, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, जस्टिस लव्स जस्टिस, न्याय को पसंद करने वाले होंगे, अच्छा सीधा साधा शुद्ध रहने वाले होंगे, बिल्कुल साफ कहने वाले होंगे, फेयर प्ले करेंगे आपके सामने, कभी मतलब दोराग छुपाव नहीं करेंगे आपके सामने। ये म्यूजिक में बड़े दक्ष होते हैं, डेक्सट्रस मतलब म्यूजिक जो होता है, संगीत वगैरह सुनने में इनकी बहुत रुचि होती है, संगीत में, गायन में, इन चीजों में बहुत रुचि होती है इनकी। और दूसरी चीज ये कि इसमें इन लोगों का थोड़ी साइकिक नेचर होती है, क्योंकि जलीय राशि है, जलीय राशि मैंने बताया कि भावुकता को दर्शाती है, तो भावुकता जहां भी इन्वॉल्व होगी थोड़ा आदमी साइकिक हो जाता है हल्का सा, तो इनकी थोड़ी नेचर साइकिक होती है, क्योंकि बहुत जल्दी ये हर्ट कर जाते हैं, तो साइकिक नेचर होती है इन लोगों की जरा सी। इनके साथ ट्रीट करते हुए बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है कि भाई ये बुरा ना मान जाए, किसी की फीलिंग से इजिली इंप्रेस्ड बाई फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अदर्स, किसी के भी जो विचार हैं या फीलिंग्स हैं उनसे बहुत जल्दी ये इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनसे उनकी बातों को मान लेते हैं। इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है, थोड़े केयरिंग होते हैं, काफी केयरिंग होते हैं, मतलब बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। मैंने एग्जाम्पल देखे हैं, अपने घर के ही अंदर देखे हैं, मेरा जो ब्रदर है उसका कर्क लगन है, तो वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, मतलब बच्चों के लिए इतना ज्यादा केयरिंग है कि मैंने कोई कोई देखा होगा इतना केयरिंग कोई अपने बच्चों के लिए होता है, नॉर्मली सभी होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा केयरिंग है बच्चों के लिए। तो ये इनकी खास टेंडेंसी होती है कि जिससे भी वो प्यार करते हैं उनके लिए बड़ी केयरिंग और प्रोटेक्टिव होते हैं, उनका बड़ा उनको देखभाल के रखने वाले, उनको बहुत उनकी रक्षा करने वाले, उस तरह के ये लोग होते हैं। मेमोरी इनकी बहुत शार्प होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। इनकी कुछ लोअर स्ट्रेंथ भी है, लोअर स्ट्रेंथ मीन्स की थोड़ी कुछ कमियां भी हैं, कि थोड़े शाई टाइप के होते हैं, और क्योंकि कर्क राशि है भावुक होते हैं, थोड़े साइकिक से होते हैं, तो उस केस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम इनके उसमें आ जाती है, थोड़े रेस्टलेस होते हैं, आराम से नहीं रह पाते, नर्वस से रहते हैं, थोड़े एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी कहो तो बुरा मान जाएंगे, अगर कोई गलत बात इनको लगती है तो बुरा मान जाएंगे। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जोरू के गुलाम, ऐसे लोग अक्सर जोरू के गुलाम होते हैं। ये कोई हमारे इसमें कर्क लगन वाला है क्या बैच में? अभी आज लोग कम है। अजय जी आपको मालूम है अपना लगन क्या है? नहीं सर मुझे मालूम नहीं है मेरा लगन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल रात थोड़ा मैंने प्रयास किया जानने का, लेकिन नहीं मालूम है मुझको। कुंडली जो दिखाई देगी, कुंडली के जो पहला भाव है उसी के अंदर जो राशि पड़ी हुई है वो आपका लगन होता है। तो सर तो मेरा कर्क लगन। अच्छा ओके हाँ। ओके कर्क लगन किसका है सर? सब्यसाची मेरा है। सब्यसाची, अरे वाह साची जी, तो क्या मतलब है ऐसी चीजें कि सेंसिटिव होते हैं आप लोग और बहुत थोड़ा? हाँ सर बिल्कुल 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 सर, सही 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 बोल रहे हैं सर। सही बोल रहे हैं, ठीक है। ओवर इमोशनल होते हैं जरा, ये एक चीज इसमें रहती है इनके इसके अंदर सर। एक तो, चीज कुछ मतलब घट जाता है तो मैं दिन भर सोचता रहता हूँ उसके बारे में, ये करना सही हुआ नहीं हुआ, ये सब के बारे में मेरा काफी ज्यादा मतलब थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आता रहता है। यही यही होता है ना, मतलब रेस्टलेस होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो ही प्रॉब्लम होती है उनके। हाँ अजय जी बोलिए। सर एक अगर सपोज किसी लगन के हिसाब से कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस है, हाँ, तो अगर वो वीकनेस है तो उनको दूर किया जा सकता है या वो बाय डिफॉल्ट ग्रह नक्षत्र की वजह से रहने वाली है? नहीं नहीं वीकनेस वैसे तो देखा जाए तो क्या होता है कि जो ग्रह नक्षत्र से वो वीकनेस है, लेकिन वीकनेस को आप अपने एफर्ट्स के थ्रू ओवरकम तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल खत्म ना कर पाए लेकिन ओवरकम कर सकते हैं इस चीज को। जैसे ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद आपको बहुत सी चीजें ऐसी लगेंगी घर के अंदर कि यार वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप समझ जाओगे यार इसके जो लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है, इसके लगन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम है, तो इसकी प्रॉब्लम तो है, तो थोड़ा उसको डील ठीक से करना चालू करोगे।
कुछ आप एफर्ट्स करोगे, कुछ वो थोड़ा एफर्ट्स करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये लोअर स्ट्रेंथ जो आपकी है, ये कमियां एक तरीके से नेगेटिव चीज नहीं है, थोड़ा लोअर स्ट्रेंथ है ये, इसको अगर आप ओवरकम करेंगे तो आपके अंदर यही हायर स्ट्रेंथ में चेंज जाएंगी। अब जैसे सामी साची जी ने बताया कि कोई चीज होती है तो मैं सोचता रहता हूँ पूरे दिन, तो वो एक रेस्टलेस वाली पोजिशन हो जाती है थोड़ा, तो वो चीज ध्यान देने वाली होती है। और चीजों को ये लोग भूलते नहीं है, अनफॉरगिविंग होते हैं बहुत, मतलब इनको ध्यान बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से डील करना पड़ता है, कोई ऐसी बात इनको ना बोलो जिन्हें हर्ट कर जाए। एक चीज इसके अंदर थोड़ा सा होता है कि हालांकि इस वर्ड से मैं इतना सहमत नहीं हूं, पर फिर भी बोलते हैं कि अनहैप्पी मैरिड लाइफ, थोड़ा बोलते हैं कि भाई मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सुखी नहीं होती इन लोगों की नॉर्मली, बट ऐसा कर्क लगन वालों के लिए मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा सुखी नहीं होती, बट ऐसा नहीं होगा क्यों साची जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लेकिन उनकी सुनते बहुत हैं आप, ये बात पक्का है, हैंड पैक्ड है। नहीं सर, वो मेरी सुनती है। अच्छा अच्छा, तो बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं ये। और हाँ सर, वो सही है, पॉजिटिव हूँ काफी। हाँ, तो ये एक इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, ये क्वालिटीज आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसमें कोई और ऐसी चीज हो तो आप उसको देख लेना। और इसके बाद हम लोग दूसरी राशि पे आते हैं। दूसरी राशि हमारी, ये एक इसी राशि के अंदर ये दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है सारावली के अंदर कि श्रुत कलामल निर्मल वृत्य शुक्र सगंध जलाशय केले किल नरास्तु कुलीर गते विधो सुमुत सुमुतो अर्थिल लभ्यते। यदि कोई व्यक्ति कर्क लग्न में जन्म लेता है तो वह एक स्वच्छ आचरण वाला, कलाओं में रुचि रखने वाला और लीक से हटकर होता है, वह इत्र का शौकीन होगा, ये सारावली के अंदर कहा गया है। कामुक होता है, सुखों के पीछे होगा, धन दौलत की तलाश करेगा, अच्छे गानों का शौकीन होगा, ये इनके अंदर बहुत होता है। लेकिन इनके लिए एक चीज थोड़ा सा ये बताया गया है, ये सारावली के अंदर ये बताया गया है कि इनको मतलब बच्चों का तो पूरा ख्याल रखते हैं ये लोग, बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन बच्चों से बहुत ज्यादा उतना एक्सपेक्टेशन इन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना केयरिंग होते हैं उनके लिए, तो ये सोचते हैं कि उतना ही वो केयरिंग हमारे लिए होंगे, नॉर्मली इस तरह से हो नहीं पाता है। तो ये एक छोटा सा ध्यान रखना चाहिए कि इनको कि बहुत ज्यादा मतलब ये ना सोचें कि जैसे केयरिंग आप हैं वैसी केयरिंग बच्चे रहेंगे आगे जाके बड़े होके, तो बिल्कुल शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इमोशनल तो होते ही हैं, पार्टनर से बहुत कामनाएं रखते हैं अपने, ये जो स्पाउस होती है उससे बहुत कामनाएं रखते हैं, ये इनमें होता है। क्या पार्ट्स ये करते हैं कर्क लग्न का, तो बताया था कि छाती को दिखना है हम लोगों को, लेकिन इसके आगे ये सब चीजें जो हैं एलिमेंट्री कैनाल रिप्स स्टेनम, ये आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि इनके क्या क्या पार्ट्स इस चीज से देखा करते हैं। सिंह राशि आती है, सिंह राशि इसका स्वामी सूर्य है, जैसे हमने बताया था कि दो राशियां हैं जिनका स्वामी एक ही है, जैसे कर्क उनका स्वामी चंद्रमा, सिंह उनका स्वामी सूर्य। तो सूर्य ने अपने पास सिंह को रख लिया, चंद्रमा ने अपने पास कर्क राशि को रख लिया, बाकी पांचों ग्रहों को दो दो राशि दे दी, राहु केतु को कोई राशि नहीं दी। सिंबल इनका लॉयन, लॉयन सिंबल देखिए, मतलब राशि का जो चित्र है वो लॉयन की तरह से है, जो तारों का समूह है। तो लॉयन क्या है, आपने देखा होगा लॉयन कभी उसमें ज्योग्राफिकल चैनल में वगैरह में आते रहते हैं, देखिए आप कभी कि जब लॉयन बड़े घात लगाते हैं तो बड़ी स्लो स्लो आते हैं और वो कब वार कर देते हैं पता नहीं चलता। तो ये सिंह राशि वाले जो होते हैं, सिंह लगन वाले जो होते हैं, थोड़े से ऐसे ही होते हैं कि इनका कब ये वार कर दें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इनका ध्यान रखना पड़ता है जरा सा, बहुत हैंडल करके रखना पड़ता है इन लोगों को, ये इनमें ध्यान रखने की बात होती है। और इष्ट देव तो मैंने आपको इनके सबके बता ही दिए हैं, परफ्यूम इनका ये आपके पास रहेगा प्रेजेंटेशन तो नोट कर लीजिएगा, ओलिवियम के नाम से परफ्यूम होता है इनका, और इस तरीके से लकी नंबर इनके 1459 होते हैं। इन दिनों में कोई काम स्टार्ट करें तो वो अच्छा होने की संभावना होती है, ये एक अच्छा उनके लिए है। माणिक्य इसका जैम स्टोन होता है, माणिक्य रूबी जो होता है वो इसमें ध्यान देने वाला रहता है। और इसके अंदर जो हम लोग चलते हैं वो देखिए, इसको राजा बोला गया है, पावरफुल बोला गया है। सिंह जो होता है ये तो आप जानते ही हैं कि वन का राजा होता है, जंगल का राजा होता है, तो जिसका लगन होगा वो बड़ा राजा टाइप का व्यक्ति होगा, रॉयल टाइप का व्यक्ति होगा, मतलब कहते हैं ना कि लिव लाइफ किंग साइज, यानी राजाओं की तरह जीने वाला,
चाहे पैसे पास में 10 रुपए हो लेकिन जिएगा स्टाइल से जैसे 100 रुपए है अपने पास में, ये थोड़ा सा उनके अंदर होता है। और ये सिंह लगन वालों के अंदर आपको हमेशा मिलेगा। और ये क्या चाहते हैं कि हर परिस्थिति इनके हिसाब से हो, मतलब परिस्थिति के हिसाब से ये नहीं ढलना चाहते, ये चाहते हैं कि परिस्थिति मेरे हिसाब से ढल जाए। और ये लोग बना भी लेते हैं उस परिस्थिति को अपने हिसाब से, ये इनमें खास बात होती है, परिस्थिति को अपने हिसाब से बना लेते हैं। दूसरी चीज इनके अंदर ये होती है कि बचपन में इनसे अगर कोई बात कह दी आपने, मतलब आज अगर इनकी उम्र 55 साल भी हो गई है और कोई 5 साल की उम्र में किसी ने कोई बात कही है तो इनके माइंड में अटकी रहती है वो बात और ये कभी भूलते नहीं है उस बात को और उसको लेके बैठ जाते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसी बात कही थी। ये थोड़ा इनके साथ होता है, लेकिन बहुत रॉयल होते हैं। जरा सा चढ़ा दो इनको, जरा सा इनका प्रशंसा कर दो तो इनको मैनेज करना बहुत सिंपल होता है। बस इनको थोड़ी प्रशंसा करनी होती है इनकी कि भाई आप बहुत बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा मैनेज ये करना होता है, आपने बड़ा अच्छा बताया, आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया, आपने बड़ा अच्छा लिखा, ऐसे करके इनसे बात करें तो ये लोग बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं, रॉयल होते हैं, खर्चा करते हैं दिल खोल के, हेल्प करते हैं दिल खोल के, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि ये शेर का चिन्ह है इस राशि का, तो शेर का चिन्ह है तो शेर क्या है, वो भीड़ के साथ तो चलना पसंद नहीं करेगा, वंचर है। जैसे राशि को पीछे बताया हमने कि चतुष्पाद, मनुष्य राशि, द्विपाद बताया आपको, फिर कीट राशि बताया, ये राशि वंचर राशि कहलाती है, वनों में चरने वाली। तो बेसिकली सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं, सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं, वो भीड़ के साथ चलना पसंद नहीं करते, वो सोसाइटी में बहुत जल्दी मिक्स नहीं हो पाते, उनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, ये एक उनके साथ थोड़ा सा रहता है। और वो चाहते नहीं कि उनका कंपैरिजन किसी से किया जाए। तो घर में, आपके घर में कोई सिंह लगन वाला हो या कोई वाइफ आपकी हो या हस्बैंड हो, तो ये काइंडली ध्यान रखिए कि उनका कंपैरिजन किसी और से मत कीजिए कि आपको ऐसा होना चाहिए या आपको ऐसा होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा फील करते हैं इस चीज को, कंपैरिजन से फील करते हैं, थोड़ा उनका होता है, क्योंकि वंचर राशि होने की वजह से वो पसंद करते हैं पहाड़ों को, वन को, जंगल को, मतलब एकांत को पसंद करने वाले ज्यादा होते हैं, भीड़ में मिलना, मिक्स होना कम पसंद करते हैं। हायर स्ट्रेंथ इनकी ये है कि बड़े डायनेमिक होते हैं ये लोग और बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से काम करने वाले होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेट करने वाले होते हैं जहां भी रहते हैं। मैंने बताया आपको कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं लोगों से और करवा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इनकी प्रशंसा करते रहे आप तो बहुत ही वार्म हार्टेड भी होते हैं, इनका दिल बड़ा साफ होता है और ये दिल से आपकी हेल्प करना चाहते हैं कोई चीज के लिए। एम्बिशियस बहुत होते हैं ये लोग, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, बड़े क्रिएटिव होते हैं, अनइम्पल्सिव होते हैं। अनइम्पल्सिव का क्या मतलब हुआ आपका, कि आवेग में आने वाले, बहुत जल्दी आवेग में आते हैं, इनसे कोई बात कह दो तो बहुत जल्दी आवेग में आ जाते हैं। और उससे क्या होता है, कई बार ये अपना नुकसान कर बैठते हैं, थोड़ा इनको ये ध्यान रखना होता है कि आवेग में ना आए बहुत जल्दी। कोई हमारे यहाँ कोई सिंह लगन का है, कोई है जिसका सिंह लगन हो? सर मेरा राशि सिंह है। हाँ तो चंद्र राशि सिंह है, तो उसका भी फर्क आपके ऊपर आएगा, दोनों का फर्क आता है हल्का। वैसे मेरा लगन सिंह है। ओके सर, एक्चुअली कल एक चीज बात हुआ था सर, जो वृष लग्न है जो सेंसिटिव के बाद, तो ये जो एक चीज है, तो एक चीज अगर घटित हो जाता है वो काफी साल तक दिमाग में रहता है। हाँ, ये सही है, इसीलिए शायद फर्क है, क्योंकि दोनों ही मेरा स्थिर लग्न और राशि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आता है नॉर्मली होता है। जैसे मुझे भी नॉर्मली, मेरे से कोई बात 5 साल की उम्र में कही गई या 6 साल की उम्र में मुझे कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगी, किसी पड़ोसी की या किसी की, तो मुझे आज तक वो बात याद रहती है और जल्दी डोमिनेट नहीं होते सर। हाँ, तो ये चीज इसके अंदर होती है, अबेंडेंट एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत होती है इन लोगों में, मतलब कितना ही इनसे काम करा लो लगे रहेंगे काम करने के लिए, और ऐसा नहीं कि आलसी होकर बैठ जाएंगे, और अपने आप सोचना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। कोई आदमी इनको गाइड करे तो इन्हें थोड़ा सा लगता है कि यार क्या गाइड कर रहे हैं, अपने आप से काम करो, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, एक सेंस ऑफ डिग्निटी इनके अंदर होती है। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरोसिटी इनमें बहुत अच्छी होती है, कि इनको अगर आप थोड़ा सा सेंस ठीक से कंट्रोल करके रखें तो ये लोग बहुत जनरस भी होते हैं और बहुत दिल खोल के काम करने वाले होते हैं। इनकी लोअर स्ट्रेंथ भी है, ये बाय चांस मैं आपको अपनी ही लोअर स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, बहुत जल्दी मतलब ईगो पे अपनी चीज ले लेते हैं, कोई आदमी कुछ कहे तो थोड़ा ईगो पे चीज ले लेते हैं, ये थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, इसके अंदर इनको ये ईगो थोड़ी सी ओवरकम करनी पड़ेगी तो इससे उनको फर्क पड़ेगा। थोड़े प्राउडी भी होते हैं, प्राउडी अहंकारी होते हैं, ये एक है।
मतलब सेल्फ ईगो मैं सुपर ईगो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा अहंकार हल्का सा रहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। तो ये एक छोटा सा थोड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है, और थोड़ा बुलिंग टाइप के होते हैं ये। अनइम्पल्सिव तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा आवेग में आने वाले होते हैं, एरोगेंस इनमें बहुत ज्यादा होती है, कठोर बोल जाते हैं कई बार, किसी को कोई आदमी इनसे बात कर रहा है थोड़ा कठोर बोल जाएंगे, तो कठोर बोल जाएंगे तो उससे एरोगेंस हो जाती है, तो उससे एक थोड़ा वो अपना ही काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उनका। अभिमानी होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि प्राउड होते हैं, अभिमानी होते हैं, और इनको कछुए की चाल पसंद नहीं है। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि कोई आदमी अगर स्लो काम कर रहा है तो इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये बहुत फास्ट काम करवाना चाहते हैं कि यार ये काम अभी भी हो जाए, ये काम जल्दी हो जाए, ये काम जल्दी हो जाए। तो ये एक इनके अंदर ये क्वालिटी रहती है कि ये बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद ये थोड़ा जल्दी नर्वस भी हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम इनमें रहती है। कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाए सर, उसको जल्दी से जल्दी सलूशन हो जाए, नहीं तो पूरा दिमाग में वही चलता रहता है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए जल्दी से कंप्रोमाइज हो जाए, जल्दी से यस फटक से, इस टाइप का थिंकिंग रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऑपोजिट अगर स्टार्ट नहीं करता है तो खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं कभी कभी। यस, ये लोग थोड़ा, ये तो है ही है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो सभ्यसाची जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और जो अगर खुद से हमारा अगर भूल हो या ना हो, अगर स्टार्ट अगर खुद से कर लेते हैं तो हम इस टाइप का प्रेजेंटेशन देते हैं जहां पर उनके गलती है करके कंप्रोमाइज से तो हमसे स्टार्ट करते हैं, फिर भी उनकी गलती है एंडिंग में दिखा देते हैं सर। हाँ, कभी कभी बिल्कुल ठीक बात है, वो तो अल्टीमेटली लास्ट में यही प्रूफ करना होता है कि गलती उनकी है। आप सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात आपकी है। तो देखिए कितना, मतलब ये जो शास्त्रों में हमारे क्वालिटीज लिखी हुई हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई हैं, सोच समझ के लिखी गई क्वालिटीज हैं सारी, और सोच समझ के आदमी की नेचर होती है। तो कभी भी किसी की नेचर को स्टडी करना हो तो एक बार कुंडली देख लो उसकी, उसका लग्न देख लो, और फिर उसकी नेचर का आपको मालूम पड़ जाता है, उसकी चंद्र राशि देख लो कि किस तरह की नेचर का आदमी होगा, कैसे इसको डील करना है, और उससे अपने आप को भी जानना जरूरी है एस्ट्रोलॉजी के, भी मुझे कैसे ओवरकम करना है अपनी लोअर स्ट्रेंथ से। क्योंकि सिंह लगन वालों के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, मैंने ये देखा है, आप में से किसी का हो तो आप करेंगे कि अक्सर चूंकि ये डिसीजन अपने आप लेते हैं, इनको डिसीजन वाइफ की कंसेंट से लेना चाहिए। ये एक इसके अंदर मैंने आपका जातक परिजात किताब अगर पढ़ेंगे आप, उसके अंदर ये है, कुंडली के अंदर, कुंडली में दिया हुआ है कि यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिसीजन जो है कंसेंट से किसी के लेना चाहिए, एकदम अपने आप डिसीजन ले लेते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो वो ध्यान में रखने वाली बात है कि घर वालों को अपने साथ लेके चले, अलग से मतलब ना चले, अपने आप ना चले, तो शांति रहती है, अदरवाइज लाइफ में इनके प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद ये है कि सिंह लगने समुत्पन्ने धनी भोगी शत्रु विमर्दक स्वल्पो दरो अल्प पुत्रस्य सोत्साही रण विक्रमी मास प्रिय। मतलब सिंह लगन वाले क्या होते हैं, समुत्पन्न, समुत्पन्न धनी होते हैं, धन इनके पास अच्छा होता है, भोगी होते हैं, शत्रु विमर्दक, शत्रु का दमन करने वाले होते हैं। मतलब कोई भी शत्रु इनका होगा, कोई जिससे इनकी नहीं पटती होगी तो उसको कैसे ना कैसे करके ये नीचे दिखाने वाले होते हैं। कम संतान होती है इनकी, स्वल्प, स्वल्प बोलते हैं, अल्प पुत्रस्य, वही संतान इनकी कम संतान होती है। सोत्साही यानी उत्साही होते हैं, रण विक्रमी पराक्रमी भी होते हैं, और मांस प्रिय। आज की डेट में तो नॉनवेज खाने वाले बहुत लोग हो गए हैं, जो ये इतना ज्यादा ठीक बैठता नहीं है सारावली का श्लोक का जो मांस प्रिय वाला है, पहले जमाने में होता था, अब मांस प्रिय तो अब तो बहुत दूसरे लगन वाले भी बन गए हैं, और इन लगन वालों ने मांस बिल्कुल छोड़ भी दिया है, तो नॉनवेज खाना ना खाना तो आजकल अलग डिपेंड करता है, बट ये इनकी मेन क्वालिटी होती है। और जो इनका पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो हृदय होता है, जो राशि है वो हृदय को रिप्रेजेंट करती है, आगे इसमें पेट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने पीछे लिखवाया है आपको, और आगे इसका आपको बताएंगे जब मेडिकल में बताएंगे तो कैसे कैसे किन किन अंगों को, पेट को, हृदय को, क्या क्या चीजों को ये रिप्रेजेंट करती है, अपर बैक को, स्प्लिन को, स्टोमक को, पोर्शन को, ये सब चीजें बताएंगे आपको। फिर आती है कन्या राशि। कन्या राशि में किसी की कन्या राशि है,
आज मेरे ख्याल अनुपम जी हैं क्या? यस सर। अनुपम तुम्हारा कुछ लगन मालूम है तुम्हें? अभी नहीं सर, सर मेरे ख्याल से मेष है मेरा। मेष लगन है जी। अच्छा तुम्हारा तो लगन कल हुआ था, तो कल ठीक बैठा था वो, ये कुछ कुछ थोड़ा उसमें चेंज करना था? सर ऑलमोस्ट ठीक ही था। अच्छा जी। बट वैसे तो ये अगर 80% भी सही होता है तो इट मींस कि पर्सनालिटी आदमी की ऐसी होती है। 100% तो किसी को आप जज नहीं कर सकते, लेकिन आप 70-80% भी उसको जज कर गए तो बहुत बड़ी बात होती है इसके अंदर। ये कन्या लगन की पत्रिका है, कन्या लगन है। हमारे ये कैंडिडेट हैं, आज वो आए नहीं है, उन्होंने अपनी पत्रिका भेजी थी मेरे पास, शायद उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया। मनन जो इंग्लैंड से हैं, उन्हीं का ये लगन है, कन्या लगन। तो कन्या लगन का जो कन्या का जो स्वामी होता है लॉर्ड, वो मरकरी होता है, बुध। जैसे मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह को दो राशियां दी गई हैं, मिथुन और कन्या। तो कन्या राशि का लॉर्ड ये बुध होता है। एक मिनट जरा, कन्या राशि का लॉर्ड आपका मिथुन होता है बुध, और इसमें लकी परफ्यूम इसमें दिया हुआ है, नैरिसस दिया हुआ है, लकी नंबर दिए हुए हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर, लकी कलर, लकी जैम, एमरल्ड इसका होता है वो इसके अंदर बताया गया है बनना, तो वो एक ध्यान देने वाली बात इनके अंदर है। इसके अलावा जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। इनमें एक चीज होती है बहुत, तो आप देखना कभी कन्या लगन वालों को, कि जितना किसी टॉपिक को ये लोग एक्सप्लेन कर देंगे इतना कोई नहीं कर सकता। बहुत एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को, इनसे कोई बात करो तो उस बात के एकदम जड़ तक पहुंच जाते हैं। तो ये इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज कहिए या जैसी भी थोड़ा नेगेटिव चीज कहिए, कि किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा तरीके से बताते हैं, समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन कैलिबर होने के बावजूद उतना अटेन नहीं कर पाते। जितना कैलिबर इन पे होता है उतना बेचारों को इनको अटेन नहीं हो पाता, ये थोड़ी सी इनमें कमी रहती है। होशियार बहुत होते हैं लेकिन उतना लाइफ में इनको अटेन नहीं हो पाता कैलिबर के बराबर। नॉलेज गेन करने की इन्हें बहुत लग होती है कि मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, हर तरह की नॉलेज को ये लोग लेना चाहते हैं। तो नॉलेज सीखने की बेसिकली इनके अंदर एडिक्शन होता है, लत होती है। सहनशील होते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं। तो ये इनका बड़ा अच्छा है। ह्यूमन साइन है ये, ह्यूमन साइन मीन्स मनुष्य द्विपाद, जिसको हमने बोला था मानव राशि, जिसको बोला था हम लोगों ने दो पैर वाली, ये ह्यूमन साइन है। तो ऐसे आदमी तो सिंपल सी होगा, जो ह्यूमन साइन होंगे तो हमने बताया था उसके अंदर कि वो लोग सोसाइटी में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, सोसाइटी में कैसे बोलना चाहिए उनको मालूम होता है, वो सब चीजें वो आइडिया लगा लेते हैं। जो चतुष्पाद राशि वाले हैं वो लोग सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाते, कीट राशि वाले हैं वो अपनी जगह पे स्टिक नहीं रह पाते। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये ध्यान रखना है। द्विस्वभाव राशि होती है ये, द्विस्वभाव राशि का मतलब हुआ डबल माइंडेड, कि थोड़ा कि ऐसे कर लेते हैं इस चीज को, ऐसे कर लेते हैं, इनके दिमाग में ये सब चीजें घूमती रहती हैं, ये द्विस्वभाव राशि इनकी होती है। फीमेल राशि होती है, फीमेल, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी इवन नंबर की राशि हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी फीमेल राशि हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 जो है सारी वो मेल राशि है। शीर्षोदय राशि है, जैसे पहले बताया था इसमें शीर्षोदय राशि होती है ये, जिसके अंदर प्रकाश जो है वो शीर्ष की तरफ से चलता है, सर की तरफ से चलता है और फिर बाद में सारे सितारे लाइटन होते हैं। तो ये शीर्षोदय राशि होती है, यानी इस राशि में कोई ग्रह बैठा होगा तो वो हमेशा फल जो देगा आपको अपनी, जब उसका पीरियड आएगा, उसकी दशा आएगी, तो उसके स्टार्टिंग में ही आपको फल दे देगा, ये इसके अंदर होता है। इनकी हाइव स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ही एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल माइंड होता है इनका, मेट्रिकुलस बहुत होते हैं, चीजों को बहुत बारीकी से देखने वाले होते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये लोग आपका थोड़ा फॉन्ड ऑफ सेक्स, ये एक इनके अंदर ये थोड़ी रहता है कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि थोड़े कामुक ज्यादा होते हैं। क्विक विटेड, क्विक विटेड का मतलब होता है कि तेज बुद्धि वाले, बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, फीमेल्स वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, ये लव पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, म्यूजिक पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा स्लोली बोलते हैं,
ज्यादा तेज नहीं बोलते, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलते, बहुत ही काइंड और ट्रूथफुल होते हैं, चार्मिंग होते हैं, इमोशनली थोड़े आपसे काफी अच्छे वाम, मतलब बड़े गले लग के मिलेंगे आपसे और बड़े डेडिकेटेड टाइप के ये होंगे। इनमें ये सब क्वालिटीज होती हैं, ये चीज कि भाई होशियार हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, थोड़े एनालिटिकल बहुत रहते हैं, लेकिन बातों को डिस्कस बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा बातों को डिस्कस करते हैं, एक ही बात को खींचते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे तो आपको बोरियत होनी शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा इनमें होता है क्योंकि मेटिकुलस बहुत होते हैं, हर चीज की जड़ में जाना, हर चीज की बाल की खाल में जाना इनके अंदर ये परेशानी होती है जरा सी, वो इनकी हायर स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो अब हम इसे लोअर माने या हायर माने, लेकिन ये इनकी हायर स्ट्रेंथ है कि एकदम बाल की खाल में जाते हैं ये। इसके अलावा इनकी जो लोअर स्ट्रेंथ है, अगर आप उनको देखें तो थोड़ा मैंने बताया कि ये लोग फंसी होते हैं, मतलब इनसे कहो कि भाई ये काम आप कर लीजिए तो 10 बार सोचेंगे उस चीज को, करें या ना करें, करें ना करें, अटके रहेंगे। इनसे कोई डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लिया जाता, फाइनल नहीं कर पाते ये। कोई मकान खरीदना है या कोई वाहन खरीदना है तो उसमें इनको बहुत टाइम लगता है कि बहुत चीजें देखेंगे उसके अंदर, बड़ी चीजों के फंसी होते हैं कि इसकी लोकेशन कैसी है, इसके पास शॉप्स वगैरह है या नहीं है, यहाँ मार्केट है या नहीं है, यहाँ से ट्रेन चलती है या नहीं है, इस घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है या नहीं है, मतलब इस तरह की चीजें ही आपके सामने करेंगे तो आपको लगेगा यार बड़े फंसी टाइप के बंदे हैं, एक चीज को लेके बैठ गए। तो कन्या लग्न वालों की ये खास बात होती है कि बड़े फंसी टाइप के बंदे होते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, होशियार बहुत होते हैं, तेज बुद्धि होती है, लेकिन आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है, ये इनमें एक दिक्कत रहती है इनके अंदर। और बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं बाय इंपल्सिस, मतलब कोई भी आदमी इनसे कोई बात कहे तो बहुत जल्दी एकदम बोलना शुरू कर देंगे उसके बारे में, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें नॉलेज है हर चीज की, तो बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। कोई किसी चीज के बारे में स्टार्ट होगा डिस्कशन तो ये अपना बीच में बोलना शुरू कर देंगे एकदम से, और बड़े तो ये एक थोड़ा सा इनके अंदर ये रहता है, थोड़े लापरवाह टाइप के भी ये रहते हैं, थोड़े नर्वस भी ये रहते हैं, चिंता रहती है इनको, इसेंट्रिक होते हैं। इसेंट्रिक मीन्स इसलिए मैंने बोला आपसे कि इसेंट्रिक ये होंगे कि मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार हमारे एक जो गुरुजी थे उनसे बात चल रही थी हमारी, तो वो कह रहे थे कि जो ये कन्या लगन वाले होते हैं इनका एक खास बात होती है। तो उन्होंने क्या था कि हमारे साथ ही एक फ्रेंड था, उनका कन्या लगन था, तो चने खरीदे। अब जब चने खरीदे तो वो जब चने खाने लगे तो हमारे गुरुजी बोले, देखो अब ये जो तुमने जिस लिफाफे में इनको चने दिए हैं बना के, ये लिफाफे के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ेगा। तो ये इनकी नेचर होती है, मतलब वो कागज फाड़ के फेंकने से पहले या कागज को डस्टबिन में डालने से पहले वो पढ़ लिया कि क्या चीज है इसके अंदर। तो ये इनकी नेचर होती है, इसलिए थोड़ा सा ये इन्हें कहते हैं कि इसेंट्रिक है, मतलब थोड़ा केंद्र से हिले हुए हैं, बाकी बहुत बढ़िया है। अगर इन चीजों पर ये ओवरकम कर लें इन चीजों को तो इनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तेज बुद्धि भी है, सब कुछ है, और बड़े अपीयरेंस में बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कोई इनके अंदर डाउट नहीं होता। तो ये एक सिंह लगन वाला इनका लगन का हो गया, कन्या लगन का आपका हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। एक लगन हम और ले लेते हैं, कन्या लगन में ही है। कन्या लगन भवेत जातो नाना शास्त्र विशारद है, सौभाग्य गुण संपन्न है, स्वरूप सूरत प्रिय है, शस्ते साधुत्व युत है, शिक्षा गांधर्व काव्य शिल्प पर, प्रिय वल्गु कथा भाषा प्रणयी दानो उपचारत है। यानी बुद्धिमान होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तेज बुद्धि के होते हैं, सौभाग्यशाली भी होते हैं, गुणवान होते हैं, पेंटिंग गायन और नृत्य में इनकी बहुत रुचि होती है, अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है इनकी, सुंदर होते हैं कन्या लगन वाले। गंधर्व शिल्प रुचि, गांधर्व मीन्स वही मैंने आपको बताया कि मतलब लेडीज को थोड़ा पसंद करने वाले होते हैं ज्यादा, और दान वगैरह में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है, किसी की बात को किसी को समझाना हो, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो और इनके पास चला जाए कि जी आप थोड़ा हमें समझाइए, तो उसको ये ऐसा सेट कर देंगे बता के समझा के सारी बातें एकदम, जैसे उसकी हीलिंग पूरी कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया हीलर भी होते हैं कहना कहते हैं, तो कन्या लगन वालों को एक अच्छा सा हीलर बोला जाता है कि उनके पास बैठ जाओ तो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी कर देंगे। हालांकि उनकी काउंसलिंग अपने आप से अच्छी नहीं होती इतनी, लेकिन वो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी कर देंगे। परामर्शदाता बहुत अच्छे होते हैं, आपको परामर्श देने में एकदम निपुण होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कन्या लगन है वो पेट का जो बीच का हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट के तीन हिस्से हैं, पेट का ऊपरी हिस्सा सिंह, पेट का जो नाभि वाला हिस्सा है उसको कन्या लगन करता है,
और पेट के नीचे वाले हिस्से को वृश्चिक लग तुला लगन करता है। तो एक और ले लेते हैं इसके अंदर जी, या इससे पहले कोई कुछ कहना चाहे तो बताइए। शर्मा जी, अजय शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? चेक कर दिया मेरा मीन है। अच्छा मीन है, लग्न तो सबसे बाद में आएगा, आराम से उसको समझेंगे फिर। अच्छा मीन लग्न तो क्रॉस चेक। हाँ हाँ तो मीन लग्न आएगा। तो घर में अपना किसी और का चेक नहीं किया? घर में मैडम वगैरह का किसी का चेक किया हो? मैडम का थोड़ा समझ में आया आज, सबसे पहले मैडम का। एक्चुअली पहले मुझे उनका ही करना चाहिए था, तो मैं करूंगा। हाँ आपको डील करने का फिर मतलब चल जाता ना सारा। चलिए बहुत अच्छा है। हाँ रुपेश समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर समझ में आ रहा है, सर समझ हाँ, में आ रहा है सर बिल्कुल। हाँ अभी तो ये मतलब जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको आगे हमेशा फायदेमंद रहेगा। जब भी आप किसी कुंडली देखेंगे तो आप उसको बता सकेंगे कि जी आपका व्यक्तित्व ऐसा है, तो आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना। यस यस, ये अभी बहुत बेसिक चीज चल रही है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं मालूम चलेंगी। अभी तो हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसी करेक्टरिस्टिक उनकी होती है नॉर्मली। तुला राशि, तुला राशि जो हमारी राशि होती है ये सातवें नंबर की राशि होती है। जैसे मैंने बताया कि एक से लेकर 12 नंबर राशि होती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर की राशि होती है। देखिए तुला राशि से पहले 7 नंबर लिखा हुआ है, और ये 7 जो है स्टैंडर्ड है, मतलब कभी नहीं बदलेगा। जब भी कभी 7 नंबर की बात होगी, कोई कहे आपसे मेरी राशि 7 नंबर है तो समझ जाइए तुला राशि, कोई कहे मेरी राशि 6 नंबर है तो समझ जाइए कि मेरी राशि कन्या राशि। तुला राशि का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, वो होता है शुक्र, वीनस। वीनस के अंडर में दो राशियां दी गई हैं, तुला और वृषभ। दो राशियां वीनस को दी गई हैं सूर्य चंद्र की तरफ से, तुला और वृषभ। और ये लकी परफ्यूम क्या है इनका, लकी नंबर 1 2 4 7 होते हैं इनके, लकी डेज कौन है इनके, और लकी जैम इनका डायमंड होता है। अगर किसी को डायमंड बहुत अच्छा उनका शुक्र है कुंडली के अंदर तो वो डायमंड पहन सकते हैं, वो बहुत शुक्र को मजबूती देगा। और डायमंड अगर ना पहन सके, अफोर्ड ना कर सके, तो जर्किन नाम से आता है, वो भी आप पहन सकते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। अब इसमें हम लोग इसके अंदर देखते हैं मूवेबल राशि होती है। जैसे हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 6, फिर 7 नंबर पे फिर चर राशि आ गई। तो ये चर राशि होती है, वायु होती है, और इसका चिन्ह जो होता है वो तराजू का होता है, बैलेंस तराजू। ह्यूमन साइन है, क्योंकि वो जो चिन्ह इसका है वो ये है कि आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में तराजू है, तो दो पैर वाली हो गई, इसलिए ह्यूमन साइन हो गया ये वाला। ये इसमें वो ध्यान रखने वाली बात है। और 7 नंबर है, विषम संख्या है, तो मेल राशि हो गई ये वाली, तो मेल राशि हो जाएगी 7 नंबर है तो। और महीना जो होता है जब सूर्य इस राशि में आता है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का महीना 15 होता है, जैसे कार्तिक बोलते हैं हम लोग इसके अंदर। अच्छा ऐसे लोग बहुत ही पब्लिक रिलेशंस के अंदर बड़े अच्छे रहते हैं, इनका पब्लिक रिलेशन जो होता है बहुत बढ़िया होता है। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर तुला राशि वाले को या तुला लग्न वाले को अपना पीआरओ बना दिया, तो समझ लीजिए कि आपका वो बहुत बढ़िया काम कर देगा, बहुत बढ़िया पब्लिक रिलेशन उससे होता है इन लोगों से, क्योंकि इनकी पब्लिक रिलेशन के अंदर ये माहिर होते हैं, क्योंकि इनको बहुत पता होता है कैलकुलेटिव चीजें बोलना, कैसे बोलना है। निशान तराजू का है तो बड़ा बैलेंस करके बोलने वाले होते हैं, तराजू का चिन्ह इनका बना होता है, तो बहुत बैलेंस करके बोलने वाले होते हैं। पब्लिक रिलेशन में बहुत होशियार होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, इनकी टेंडेंसी बड़ी आर्टिस्टिक होती है, तरक्की बहुत करते हैं, और इनमें ये क्षमता होती है कि छोटे से बिजनेस को ये बड़ा एम्पायर में कन्वर्ट करते हैं। एबिलिटी टू कन्वर्ट ए स्मॉल बिजनेस टू ए टॉप क्लास बिजनेस, ये इनके अंदर एबिलिटी होती है। सिंबल तराजू है इनका, इसलिए फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच थोड़ा पिस्ते जरूर हैं, वर्क लाइफ बैलेंस में इनको प्रॉब्लम आती है, थोड़ा फैमिली के साथ एडजस्ट करने में, प्रोफेशनल लाइफ के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ के ही बन के रह जाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, पर रास्ता ये बीच का निकाल लेते हैं थोड़ा, इसमें इनके निकल जाता है, और परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं। ये इनकी मोटा मोटा इनका वो है जो आप ध्यान रखिए। कभी भी आप अपनी कंपनी में किसी को पीआरओ लगाएं तो देखिए, कोशिश कीजिए कि जिसका लगन ये वाला हो, तुला लगन हो, उसको पीआरओ कंपनी का बनाएं, तो बहुत फायदा होगा, बड़ा अच्छी बातें रहेगा उसके अंदर। ये इनकी हायर स्ट्रेंथ है, काफी चार्मिंग होते हैं,
ये भी बहुत चार्मिंग लोग होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, आराम से समझ जाओगे इनको आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। रोमांटिक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, रोमांटिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन बहुत साफ सुथरे होते हैं, धुराव छुपाव नहीं होता, शांति पसंद करने वाले होते हैं, पीस मेकर्स होते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होते हैं। डिप्लोमेटिक मीन्स के ऐसा नहीं कि आपको कोई बात एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया तो आप उस चीज में आपको हर्ट कर गई, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में कि आपको बुरा ना लगे और अपनी बात भी ये कह दें, इस तरीके से ये बात करते हैं कि आपको हर्ट भी ना करे और अपनी बात भी ये कर लें। बहुत परसुएसिव होते हैं, एक काम को पीछे पड़ गए तो करना शुरू कर देते हैं, बस करते रहते हैं बहुत ज्यादा उसको। और किसी भी डिसीजन की, कोई डिसीजन लेने से पहले उसका पूरा प्रोस एंड कॉन्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस डिसीजन को लेने के बाद क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो ये वे प्रोस एंड कॉन्स प्रॉपरली बिफोर टेकिंग डिसीजन, यानी डिसीजन लेने से पहले हर चीज को डिसाइड करते हैं कि क्या इसके नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, तभी ये लोग डिसीजन लेते हैं। क्योंकि तराजू का चिन्ह है इसके अंदर, वो चिन्ह से मालूम पड़ जाता है कि बहुत बैलेंस्ड रूप में ये लोग डिसीजन लेते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, रीजनिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग एबिलिटी में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं बहुत, ये इनमें खास बात होती है। तो ये इनकी हायर स्ट्रेंथ है कुछ, अब जैसे इनकी कुछ हायर स्ट्रेंथ है तो वैसे ही कुछ इनकी थोड़ी सी लोअर स्ट्रेंथ भी है, जहां थोड़ा ये ओवरकम कर लें तो उसके अंदर ये लोग बहुत नॉर्मली, बहुत कम राशियां होती हैं तुला राशि वाले, इनका शनि बहुत मजबूत होता है, तुला राशि वालों का शनि इनका पूर्ण योगकारी ग्रह होता है, इनका निकल से शायद इष्ट देव भी मैंने शनि ही बताया है आप लोगों को, तो वो ध्यान रखिएगा, अगर शनि की पूजा ये लोग करें और शनि भगवान की, तो इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इनकी लोअर स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ किसी का कोई तुला लगन है किसी का हमारे इसमें से बैच में से? आज लगन थोड़े कम है इसलिए लगन पूरे मैच नहीं हो पा रहे, नहीं तो लगन मैच हो जाते। अच्छा, इसमें इनका क्या होता है, जैसे पहले बताया था कि फ्लर्टेशियस, मतलब ये थोड़ा रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं, ये इनमें थोड़ी एक प्रॉब्लम रहती है और इनको समझ पाना मुश्किल होता है, हाईली सस्पेक्टेबल होते हैं और प्रतिशोध की भावना इनके अंदर रहती है, ये थोड़ी इनके अंदर कमी है कि विंडिक्टिव होते हैं, अगर इनको साथ आपने कुछ कहा है तो प्रतिशोध लेने की कोशिश भी ये करते हैं। हैबिट ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन एयर, यानी हवाओं में महल बनाने की कोशिश करते हैं बहुत, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो बात तो ठीक है कि ये लोग बिजनेस को छोटे से लेके बड़े एम्पायर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हवा महल भी बहुत बनाते हैं और वो हवा महल कई बार इनको थोड़ा नर्वस कर देता है, हवा महल कई बार तो पूरे नहीं हो पाते, तो उस चीज में कई बार नर्वस भी हो जाते हैं ये लोग, तो वो थोड़ी सी एक इनके अंदर नेगेटिव क्वालिटी है या थोड़ा ये लोअर स्ट्रेंथ है कि हवा महल ये बहुत बनाते हैं, थोड़ा स्लो वर्कर है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होते, ये स्लो वर्कर है। और ओवर इंटेलिजेंट सेक्स, ये इनमें एक थोड़ी सी रहता है, क्योंकि मैंने बताया पहले ही आपको कि रोमांटिक ये बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। और नॉट इजली एमिनेबल टू रीजनिंग, मतलब किसी भी चीज के लिए ये उत्तरदायी आराम से नहीं बनते, मतलब इनको बोलो कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये क्यों नहीं हुआ, तो अपने ऊपर ये उत्तरदायित्व नहीं लेते, नहीं जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ऐसे करके ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर करना चाहते हैं, अलग कर देते हैं, थोड़े फियरफुल होते हैं, ये इनके अंदर प्रॉब्लम रहती है। हल्के से उदास रहने वाले भी होते हैं, तुला राशि वाले अगर देखेंगे तो बड़े उदास से रहते हैं, सल्की टाइप बोलते हैं उनको, कि उदास से रहने वाले होते हैं। मैनिपुलेटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चीजों को बहुत बैलेंस करके बोलते हैं, तो बोलने से पहले बहुत चीजों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ही चीजों को बोलते हैं। तो ये कुछ लोअर स्ट्रेंथ और कुछ हायर स्ट्रेंथ इनकी है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें सारावली में श्लोक लिखा हुआ है कि तुला लग्नोदय जाते सुधी सत्कर्म जीविका विद्वान सत्कलाभिज्ञो धनाढ्यो जन पूजित, यानी तुला लग्न में उत्पन्न जातक बुद्धिमान होता है, जैसे बताया अच्छे कर्मों से आजीविका उपार्जन करने वाला होता है, अनेक कलाओं में निपुण होता है, सर्व कलाभिज्ञो यानी हर कलाओं में अनेक कलाओं में निपुण होता है, धनाढ्यो धनी होता है, व्यवहार कुशल होता है और जन पूजित है मतलब कुल में श्रेष्ठ होता है, लोग उसको मानते हैं, जहां जाता है लोग उसकी इज्जत करते हैं तुला लगन वाले की, कि भाई ये आदमी कुछ है तो उसकी इज्जत करते हैं, तो ये लोग
में खास बात होती है, ज्योतिष बहुत पढ़ना चाहते हैं ये लोग। तुला लग्न वाले जो लोग होते हैं ज्योतिष में बहुत तरक्की भी करते हैं, ये बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चीजों को बड़े बैलेंस करके बोलते हैं और कलाओं में निपुण होते हैं बहुत। बस इनके लिए प्रिकॉशन ये है कि इनको इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए, अगर इमोशनली वीक ये ना बने तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड रहे, अपने बारे में सोचें चीजों को, और शो ऑफ से बचें। शो ऑफ ज्यादा रह जाता है थोड़ा, तो शो ऑफ से बचेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पार्ट्स ऑफ द बॉडी रूल्ड उसमें वही आ गया, क्योंकि तुला राशि है तो पेट से नाभि के नीचे वाला हिस्सा हो गया जहाँ पे किडनी वगैरह ये सब चीजें आती हैं, तो ये बॉडी पार्ट्स को ये रूल करता है। तो ये सात लगन थे जो आज हमने आपको कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में पांचों कंप्लीट कर देंगे और पांचों भी जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आरती जी, कोई चीज समझने में कोई प्रॉब्लम रही कहीं? सर बस ये जो आपने कार्तिक महीने का इनका बोला है तो उसमें आपने डेट्स दे रखी हैं सर, 15 अक्टूबर से दिस। हाँ, तो कार्तिक महीना 15 अक्टूबर से वो डेट का होता है ना, कार्तिक महीना। अच्छा सर, तो सर तुला राशि वाले इसका मतलब इसी उसमें बॉर्न होते हैं तो उनको भी ये वाला सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो मंथ चलता है वो कैसे चलता है, जितने भी हमारे मंथ हैं, वैसाख है या ज्येष्ठ है, जेठ है, सावन है, आषाढ़ है, ये सूर्य की संक्रांति से चलते हैं हमारे, कि सूर्य किस किस राशि के अंदर है। तो सूर्य जब तुला राशि में होता है तब ये मंथ होता है कार्तिक का महीना, जैसे बताया ना तुला राशि में आएगा तो वहां पर कार्तिक मंथ होगा 15 अक्टूबर से स्टार्ट में। तो किसी की सूर्य तुला राशि में जो सन साइन है, इसका मतलब जो हमारे न्यूज़पेपर्स में सन साइन है वो यही वाले हैं, ये सन साइन वाले, यही सन साइन है। तो सर कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी पे लोगों पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सनसाइन है जो आप कह रही हैं, एग्जैक्टली यही है सनसाइन, और इसी से कई लोग देखते भी हैं। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो वैदिक रीति है देखने की चंद्रमा से और लगन से, वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा ऑथेंटिक है इसके मुकाबले। हाँ अंजुल जी, आप बताइए कोई चीज समझ में आने से रही हो? अंजुल जी म्यूट खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। कार्तिक महीना जो आप कह रहे हैं कि 15 से 15, ये 15 से 15 तो जो अंग्रेजी पद्धति में है उसके लिए है। कार्तिक महीना कोई फिक्स नहीं है कि ये 15 से 15 ही चलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मैडम संक्रांति जो है कभी भी 15 से 17 तारीख के बीच में ही पड़ेगा मैक्सिमम। हाँ। वो संक्रांति में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए उनको 1 महीना लगता है संक्रांति में, वो क्रस करते हैं मीन संक्रांति, मेष संक्रांति, विषु संक्रांति। बिल्कुल प्लस माइनस 2-3 डेज उसके अंदर हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता वो, तो मतलब एक 12 महीने में जो 12 रुद्र जी। मकर संक्रांति भी एकदम फिक्स डेट को ही होती है, 14 जनवरी। मतलब उसके अंदर बेसिकली ये मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना बोला जाता है संक्रांति, कि सूर्य की संक्रांति है। जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया तो उसे मकर संक्रांति बोल दिया, तो वही इसके अंदर रहता है। पीयूष जी आपका आपसे बात नहीं हो पाई थी, पीयूष जी आपको कोई दिक्कत समझने में कहीं अभी तक? सर ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है जी। हाँ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त ये थोड़ी याद करने वाली हैं, आगे जो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को वो सब चीज समझने वाला है, उसमें समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा याद कर लीजिएगा कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर है, दिशभाव है, अग्नि पृथ्वी वायु, इस तरह से इसे याद कर लीजिए। अभी आपके पास पूरा वीक है, इस वीक में आप ये याद कर लीजिए सारी राशियां क्या क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट वीक में जब क्लास लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी 5 नंबर राशि अग्नि राशि है, कौन सी राशि है, तो आप थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा इसके अंदर। तो वो पूछना जरूरी है क्योंकि आपको आइडिया होना जरूरी है, एकदम मालूम क्लिक करना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे वो पूछूंगा, तो आप थोड़ा ये करके आइए और अपनी कुंडली में, अभी कुंडली में बताऊंगा भाव कौन कौन से होते हैं सब बताऊंगा, लेकिन जो पहला भाव कुंडली के अंदर बना हुआ है उसमें जो राशि है वो लगन कहलाती है। आप अपना लगन देखिए, कोशिश कीजिए जो लगन हमने बताए हैं कैरेक्टरिस्टिक उसके हिसाब से आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, मैच करती है नहीं करती है, या उसके एक्स्ट्रा कोई और चीज उसके अंदर आती है तो आप उसको शेयर करें, ताकि हम किसी और का भी अगर ऐसा लगन है तो उसको उस चीज में ऐड कर सकें आगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारी हो सकती है इसके अंदर। तो आप इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट सैटरडे क्लास में आपसे मिलेंगे। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को, जो फर्स्ट लेक्चर में आपने मिल्की वे का डायग्राम दिखाया था, हाँ, उसमें सूर्य के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में 7 ग्रह घूमते हैं, लेकिन उसमें चंद्रमा नहीं था,
तो चंद्रमा की, चंद्रमा मेरे ख्याल से पृथ्वी का उपग्रह है, तो हाँ, वो पृथ्वी की ऑर्बिट में घूमता है, वो पृथ्वी के ऑर्बिट में जाता है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर उसका ऑर्बिट होता है, तो वहां पे वो चंद्रमा ग्रह में नहीं शो कर रखा था, सोलर सिस्टम में चंद्रमा ग्रह में नहीं आता, सोलर सिस्टम में ये सूर्य यही ग्रह में आते हैं, पृथ्वी आती है, मंगल आता है, शुक्र आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, सोलर सिस्टम में चंद्रमा नहीं आता, इसलिए दिखाया नहीं गया था वहां पे, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, वो अलग ऑर्बिट है उसका पृथ्वी के चारों ओर घूमने का। दूसरी बात सर, पृथ्वी भी क्योंकि सोलर सिस्टम का पार्ट है और वहां पे घूमती है, तो वो भी हमेशा किसी ना किसी राशि में होती है, राइट? वो बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पृथ्वी हमेशा किसी ना किसी राशि में होती है, लेकिन मैंने उस लेक्चर में ये भी बोला था कि पृथ्वी को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट माना है, स्थिर माना है, और हमने माना है कि सूर्य घूम रहा है, मतलब रिलेटिव में सूर्य घूम रहा है, सारे एनालिसिस के लिए हम पृथ्वी को केंद्र में रख देते हैं और पृथ्वी को सूर्य से रिप्लेस कर देते हैं, सूर्य से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका मतलब जिस राशि में है वो सूर्य है, जो आप कहना चाह रहे हो कि पृथ्वी इस राशि में है, वो सूर्य उस राशि के अंदर है, किसी के सूर्य से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो आशा करता हूं सब ठीक रहा होगा, अब कोई चीज हो तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, थोड़ा याद करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, तो इसको याद करके आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर, नमस्ते, थैंक यू सर।